आला हजरत की ओर से जो मुफ्ती हैं अफजाल रिजवी उनकी ओर से कि जो समलैंगिक है उनको जीने का हक नहीं है, उनको जलाकर मार देना चाहिए, उनको पत्थरों से मार देना चाहिए और ये पूरी तरह से एक पाप है, अपराध है। इसी पर हम लगातार बहस कर रहे हैं। मौलाना साहब, एक सवाल मेरा आपसे, जो कि अभी आरिफ भी कह रहे थे कि अगर कोई इस तरह के सेक्सुअल ओरिएंटेशन के साथ पैदा हुआ है तो क्या ये भी तो खुदा के बनाए हुए लोग हैं जो इस तरह से पैदा हुए हैं? उनको खुदा ने वैसा ही बनाया है, उनका ओरिएंटेशन वही है और उनको आप जो इंसान है वो ये फैसला करते हैं, वो फैतवा ऐसा जारी करते हैं, खुदा ने जो बनाया वो गलत है, उसको जिंदा जला के मार डालो। ये बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं और सही बात है कि अल्लाह ताला ने मुजक्कर और मुअन्नस को बनाया है, मर्द और औरत को बनाया है। अब इसमें तमाम दुनिया में रहने वाले तमाम मजाहिब और तमाम अदियान के लोग हैं। शरीयत का निफाज सिर्फ और उसकी पाबंदी और उसके अजाब और सवाब का हक ये सिर्फ जो है वो मुसलमानों के लिए है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी जितने भी आबाद बाशिंदे मुल्क के लोग हैं वो सब इसका अमल करें, बस ये इसका हुक्म जो है बस उन्हीं लोगों के लिए है जो इस्लाम के पाबंद हैं और मुसलमान हैं। एक बात बताइए मौलाना साहब, अगर इस फतवे को सुनकर वाकई किसी ने किसी समलैंगिक को जिंदा जलाकर मार डाला और कहा कि ऐसा फतवा जारी किया गया था, अपने आप को माफ कर पाएंगे? ये तो हम कोई भी, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी शरीफ आदमी और बाशूर दानश्वर या खानदान एतबार से जो मौजूद खानदान से ताल्लुक रखने वाला पढ़ा लिखा नौजवान है या लड़का है लड़की है, कोई भी इस तरह काम नहीं करेगा। ये तमाम चीजें यूरोप में चलती हैं और इंग्रेजी मुल्कों में चलती हैं, हमारे यहाँ चीजें नहीं चल पाती हैं। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की जड़ों में इस तरह के फतवे का मतलब क्या है? क्या 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 इस तरह से उनको इनकरेज नहीं किया जा रहा इस तरह का काम करने के लिए? नहीं, हमारे हिंदुस्तान में ये कल्चर नहीं चल पाता। हमारे हिंदुस्तान में मियां बीवी का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, ये रिश्ते हैं। नहीं, यहाँ पर भी एलजीबीटी कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, हमें मानना पड़ेगा। हमारे आसपास लोग हैं, हम कभी दिल्ली में परेड होते हुए देखते हैं, कभी कहीं देखते हैं और ये एग्जिस्ट करते हैं, इनसे हम आंख नहीं मूंद सकते। तो देखिए, शर को हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि शर कहीं कहीं आरिफ भी हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, आरिफ की बात भी सुनिए क्योंकि लगातार ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आरिफ, आप बताएंगे, इसका जवाब आप देंगे। जो मैंने कहा कि आपने डायलॉग की जंगाई ही नहीं छोड़ी और जहाँ तक कि इस्लाम का ताल्लुक है, इस्लाम रिकॉग्नाइज करता है कि ऐसे लोग हैं। नहीं मौलाना साहब, बिल्कुल मैं इस्लाम का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ना मैं कुरान का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं एक समाज सेवक हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कुरान में एक आयत है, मुझे दुरुस्त कीजिएगा, कि जो 24-31 गैर उला इल इरबती मिन इल अर रिजाली, वहां पे एक्नॉलेज किया गया है कि कुछ ऐसे मर्द हैं जो दूसरे औरतों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते और उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। ये मैं कुरान की कुछ रिपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक। तो जहाँ पे अल्लाह का उसके, वहां पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको एक्सेप्ट कर रहा है या उसको डिस्क्रेडिट कर रहा है, जी। कुरान ये रिकॉग्नाइज कर रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं और उनको उनके हाल पर छोड़ दो। जी मौलाना साहब, जवाब दीजिए, 24-31 जो आयत ये बता रहे हैं, मैं अरबी का जानकार नहीं हूँ, मैं आपको उसकी जो बता सकता हूँ, गैर उला इल इरबती मिन अर रिजाली, मफहूम की तस्दीक ऐसे नहीं कर सकता, मैं मफहूम की तस्दीक ऐसे नहीं कर सकता हूँ जब तक कि कुरान के जो कुरान का जो नक है और मतन है वो न पढ़ के सुनाया जाए। नहीं, वो उन्होंने आपको अरबी में भी बताया, ठीक है। मैं ये तक कह रहा हूँ कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जहाँ पे दूसरों की एक्सेप्टेंस थी, इस्लाम के फॉलोअर्स हैं। और दूसरा मैं एक चीज बार बार कह रहा हूँ कि ये अमल का मसला है, इसमें किसी को दूसरे को हानि नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, हर इंसान। एक सवाल मौलाना साहब मेरा आपसे है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि लाइफ स्टाइल चॉइस कैन नॉट बी इलीगल और ये
नैतिकता और मजहब का सवाल नहीं है, किसी की निजता और जीवन शैली का सवाल है, हर किसी को अपने हिसाब से जीने की आजादी है, क्या अब उनके खिलाफ भी फतवा जारी किया जाएगा? उमर अब्दुल्ला साहब अगर इस तरीके से बात कर रहे हैं और अगर उमर अब्दुल्ला यानी कोई भी मुख्यमंत्री हो या कोई किसी भी बड़े इख्तदार से रहने वाला हो, अगर वो इस्लाम के खिलाफ बात करेगा तो जरूर उसके खिलाफ फतवा जारी होगा। हम इस्लाम के ताल्लुक से, शरीयत के ताल्लुक में किसी भी समझौता नहीं कर सकते। चलिए रुझान, आप लगातार इस बात को सुन रही हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसे कि मेरे पहले सवाल में इन्होंने कहा था कि आप इसको तालिबान सोच से नहीं जोड़े, लेकिन बार बार कहीं ना कहीं इस तरह के फतवों में यही बात सामने आती है और यही सोच सामने आती है। सी, मुझे यही कहना है कि ये जो धर्मगुरु लोग, मौलाना जी, ये सब लोग हैं ना, पता नहीं ये लोग अपना अथॉरिटी इस तरह के फतवे या जो भी ये सब होते हैं जारी करके, दे वांट टू शो देयर अथॉरिटी, दे वांट टू प्रूव के देयर एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी, ताकि वो अपना हुक्म चला सके। बट सी, अल्टीमेटली अब नाउ दोज डेज हैव गॉन। अगर मौलाना जी बुरा मत मानना, लेकिन आप ही की कम्युनिटी में बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े शरीफ लोग, जो आप बोलते हो ना शरीफ लोग, इसमें इन्वॉल्व है और ये वो बिहाइंड द डोर्स कर रहे हैं, और अभी हाँ हो सकता है बाहर नहीं आ रहे, वो एक हकीकत है, क्योंकि वो डरते हैं सोशल स्टिग्मा से, लेकिन वो उसका मतलब ये नहीं है कि अब वो नहीं करते, वो अपना मन नहीं मारते, वो ये कर रहे हैं। और अभी तक दूसरी जनरेशन आई है, मैं आपको ये भी बोल दूँ मौलाना जी, कि अगर आप सिर्फ गे लेस्बियन नहीं, लेकिन अब ज़्यादा जनरेशन बाइसेक्शुअल की आई है, क्योंकि लोग अब ये भी जानते हैं कि हमको देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, we want to enjoy life and ye this is just not sex, it's also something more than sex। agar hum ye bolenge ki bhai wo gay ya lesbian ka relation hai to koi 24 ghante thodi wo ja ke sex hi karte rehte, but they are enjoying each other's company, they are liking to be with each other, to usme kharab kya hai sir? so mujhe to yahi request hai ki ye jo sab dharm guru nikal aaye hai aur jo bol rahe hai, it is really not making sense। and again repeating ki ye european wo nahi hai, ye american nahi hai, ye india ka, india mein bhi aur ye dharmo mein bhi aata, aur mujhe i mean there is मुझे क्या सब बोल रहे हैं और वो फैक्ट है। हाँ, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, कि मुझे अगर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि भाई मुझे लड़के के साथ ही जाना है, लड़की के साथ जाना है, बट इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस कि मुझे जो करना है मुझे करना चाहिए ना। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अस फॉर दैट, एक्सेप्ट दिस 377 अननेचुरल ऑफेंस जो भी डिफाइन हुआ है, बाकी आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स कि वी कैन डू ऑल दिस विद इन दिस थिंग, बट नॉट दिस गे लेस्बियन थिंग। मौलाना साहब जवाब देंगे आप? जी, इसमें दो बातें, देखिए हम अपना कोई, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहे हैं, ना हम अपना कोई हुक्म थोपने की बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो शरीयत की बात कर रहे हैं, और शरीयत ने जो हमें रोशनी दी है और हमारी जो रहनुमाई दी है हम उसकी बात कर रहे हैं, और हम अपने उम्मत मुस्लिमा की बात करते हैं, पूरे आलम इस्लाम की बात करते हैं, उन लोगों की बात करते हैं जो इस्लाम के पाबंद है और खालिस तौर पर अपनी जिंदगी में, रोज़ शब में, और सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अपनी जिंदगी जो है वो शरीयत की रोशनी में गुजारते हैं, वो कारोबार भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, इसके बावजूद भी वो अपने आप को जो है शरीयत की रोशनी में ढालने की कोशिश करते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात है, ये बताया जाए मुझे कि फिर माँ बाप का क्या रिश्ता होगा? मुझे एक बात बताइए मौलाना साहब, अगर किसी को खुदा ने वैसा बनाया तो क्या आप ये कहते हैं कि उन्हें उन्हें फिर अपने मजहब पर या फिर जिसको खुदा ने ऐसा बनाया, क्या वो खुदा की जो कहते हैं कि क्या वो नमाज नहीं पढ़ सकता, क्या उसका यकीन किसी और, जो कि आप मान सकते हैं जो कि स्ट्रेट है, उसका जो यकीन खुदा में है उससे कम होता है उसका खुदा में यकीन? जब खुदा में उसका यकीन पूरा है तो उसको आप अलग थलग क्यों करते हैं? अल्लाह ताला ने जब खुदा की बंदगी में वो उसी तरह से मशगूल है जैसे कि एक स्ट्रेट आदमी है, तो उसको आप अलग थलग से इसलिए कर दे क्योंकि उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है, उसको खुदा ने अलग तरीके से बनाया है। अगर जिस तरीके से भी अल्लाह ताला ने जिसकी भी तबीयत है बनाया है, उसमें किसी तरीके से किसी को कोई कलाम नहीं है, किसी को कोई एतराज नहीं है, वो तो